जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, आप जो उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती होने जा रही है उसमें फिजिकल क्यों नहीं है? फिजिकल का 50% नंबर होना चाहिए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री से अपील करने हेतु ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को भी सुझाव देने के लिए कि आप लोग फिजिकल पे कम तैयारी करें और लिखित पे ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि अब पासिंग मार्क ही केवल रह गया है फिजिकल, तो आपको फिजिकल पे कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए आप पहले से ही सतर्क हो जाएं और अच्छे से तैयारी करें। देखिए, मैं मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहता हूँ, जो उनके आसपास है ना, उनको गलत सजेशन दे रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स के प्लेयर और गाँव के लड़के नहीं भर्ती होंगे तो कौन भर्ती होगा? छोटी जातियों के लड़के भी फिजिकल अच्छा तैयार कर लेते हैं, चाहे वो ठाकुर समाज से हो, चाहे यादव समाज से हो, चाहे वो SC ST हो, अच्छी तैयारी करते हैं। तो भाई, लिखित के आधार पे पेपर क्यों केवल लिखित के आधार पे पेपर किया जा रहा है, जिसके कारण केवल एक जाति के बच्चे भर्ती होंगे, ज़्यादातर एक जाति के बच्चे। अच्छे जो लड़के हैं वो हमेशा बाहर हो जाएंगे और उनके माँ बाप के जो सपने हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। क्या इंडिया स्पोर्ट्स में आगे कर पाएगा जब स्पोर्ट्स प्लेयर ही नहीं आएगा? गांव के लड़के आगे नहीं आएंगे तो गांव कैसे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? ये सारी बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि 50 नंबर का फिजिकल का पेपर हो, 50 नंबर का लिखित का पेपर हो, जो पहले से हो रहा था पुराने ज़माने वाली वही भर्ती हो और CCTV कैमरे की निगरानी में हो, तब जाके क्लियर भर्ती मानी जाएगी। ये आवाज़ मुख्यमंत्री साहब तक तभी पहुँचेगी जब अधिक से अधिक शेयर करेंगे। देखिए, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग ने अधिक से अधिक शेयर किया था, जिसके कारण मुख्यमंत्री साहब तक आवाज़ गई थी और मुख्यमंत्री साहब ने 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट दिया उन लड़कों को जो कोरोना में भर्ती नहीं देख पाए थे। और अगर आपको फिजिकल का नंबर चाहिए, क्योंकि मेरे को तो भर्ती देखना नहीं है, आपको देखना है, और अगर आपको भर्ती में छूट चाहिए, 50% फिजिकल का नंबर चाहिए, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए कि मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचे और वो 50% फिजिकल में नंबर रखें जो CCTV कैमरे के निगरानी में हो, और 50 नंबर लिखित पे जो ऑफलाइन पेपर हो। ऑनलाइन में वहाँ पे बैठे अधिकारी उस पे हमें भरोसा नहीं, हो सकता है गड़बड़ी कर दें, लेकिन आप पे हमें भरोसा है सर कि आप हमेशा से निष्पक्ष कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपके नीचे जो अधिकारी बैठे हैं ये गलत काम करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इन्हीं के कारण थू हो रही है। आज इन पे अगर रोक नहीं लगाया गया और हमारे राज्य के युवाओं के बारे में नहीं सोचा गया, तो हमारे उत्तर प्रदेश का भी हाल वही होगा जो बाहर जाके नौकरी करेंगे।